100 सवालों का एक ही जवाब, सन की आप, ये याद रख इसको बोल। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही अगर बेल आइकन पर क्लिक करें रोजाना न्यू वीडियो देखने के लिए। भाई सारे भाई खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है सब भाइयों की। भाई इलाका इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस नज़र आ जाए कि हमारा इलाका ये सही है, ये गार्डन का इलाका है भाई, शू मार्केट का, उस्मानाबाद का ये इलाका हमारा। ये बातें कर रहे हैं ना कि हम इनके इलाके में आ गए और इलाके में आके भी चले गए और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, यूँ हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया, तो इसके लिए इलाका दिखा रहे हैं कि ये इलाका है सही है जिस इलाके की तुम बात कर रहे हो। और हम तो भाई कराची वाले हैं, हमारे लिए तो सब जगह ही हमारी है, पूरा कराची हमारा है, जहाँ चले जाएँ वही हमारा है। ठीक है, मखसूस इलाका अगर तुम्हारा है कोई तो वो फिर इलाका कुत्तों का होता है, तो आगे आप समझदार हो, समझे। तू आया था, तेरा भाई आया था PID से, तो वहाँ तुम्हारी पिटाई हुई है कहीं रस्ते में, अभी तक तो मेरे हाथ चढ़े ही नहीं हो। ये रहा तेरा छोटा बिनोई, छोटा बिनोई तेरा जिसको तू गालियाँ बकरा। बहरहाल गाली गफ्तार ये चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तेरी माँ बहन उनका कोई कसूर नहीं है, हम भी उनको गालियाँ दें मज़ा नहीं आएगा। आई समझ, तेरे लड़के बकरे हैं, मेरे लड़के बकरे हैं, जो भी मामला हो रहा है उसमें मज़ा नहीं आएगा। तू एक काम कर, तू आ जा मैदान में, अपन दोनों हो जाते हैं आमने सामने। सही है, गाली गफ्तार करने से, ये चीज़ें करने से कोई उसका वो हल नहीं निकलेगा, मजीद पंचायत बढ़ती रहेगी, मुंह ख़राब होते रहेंगे, हमारी कब्र में तेरे जैसे बिच्छू बढ़ते रहेंगे, इसलिए ज़बान ख़राब नहीं कर। पकड़े तो अब तू आ जा मैदान में। तू बातें कर रहा है कि तू 2 महीने से चुप बैठा था, 3 महीने से चुप बैठा हुआ था और यूँ था और फला था, तो आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले भी आखिरी लाइफ तूने चलाई थी और तूने माँ बहन की गालियाँ बकी थी, उसके बाद हम चुप थे, हम इसलिए चुप थे कि हम तुझे ढूंढते रहे। 10 दफ़ा हम हाईवे चले गए, तूने बड़ी बड़ी बातें करी थी, हाईवे आके दिखाना, हाईवे पे खड़े होकर दिखाना, वहाँ तुम्हारा हिसाब करूँगा मैं, यूँ करूँगा मैं, फलां करूँगा मैं, ढिमका करूँगा, बहुत सारी बातें तूने करी थी। ठीक है, हमने तो कोई लाइव नहीं चलाई उसके बाद, हम हाईवे आए भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने रेसें भी भगाई, ट्राइयाँ भी मारी, बहुत सारे काम हमने हाईवे पे करे, लेकिन तेरा कोई अता पता नहीं था, तू रुमाल बांध के आता था, हेलमेट पहन के आता था, नहीं आता था, वल्ला आलम क्या था या क्या नहीं था ये सबको पता है। हम तो ढूंढते फिरते थे, बहुत सारी गैदरिंगें ऐसी कराची में हो रहे हैं जो हमारे रबते में थीं और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी तुझे ढूंढते फिरते थे, पर तू नहीं आया, तू सिर्फ बातें करता है, रात को 3 बजे 4 बजे लाइव चलाएगा अपने घर के कमरे में बैठ के, सीढ़ियों पे बैठ के, मालों पे बैठ के, रोड पे बैठ के भी नहीं चलाता तू, होटलों पे बैठ के भी नहीं चलाता तू, इसी डर में कि कहीं पहुंच नहीं जाए, कोई आ नहीं जाए, तुझे यही खौफ लगा रहता है। तो पंचायत भी तूने बनाई, पंचायत भी तूने की, अब उस पंचायत का हल हमने निकालना है। अब जाहिर सी बात है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी नहीं पड़ेगी, और टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकलेगा तो फिर चम्मच उछलना पड़ता है। अब चम्मच तैयार है तेरे लिए, समझा, अब तेरे लिए चम्मच तैयार है, वो चम्मच भी छोटा नहीं है, हलीम का छोटा जिससे लगता है ना लकड़ी वाला, बड़ा वाला हथौड़े के मुंह वाला, वाला चम्मच तेरे लिए हमने तैयार करा हुआ है। वही बात इसी के, तू बातें कर रहा है कि मेरा शौक नहीं होता, मेरी जंग होती है, मेरा फलां होता है, मैं ढिमकता, तो शौक के काबिल तू है कब, और तेरे से शौक की हसरत किस बहन के तीते को है, हैं? तू बोल रहा है मेरा शौक नहीं होता, तू शौक के काबिल, तेरा मैं क्या है शौक करेगा हमसे, तूने 2 से 3 शौक करे, 200 दोनों तीनों शौकों के अंदर तेरा जो है ना मुँह काला हुआ है, दोनों तीनों शौकों के अंदर तुझे मुँह की खाई है, तूने मुँह की पढ़ी है, तो शौक की तो तू बात छोड़ ही दे कि तेरा हमारा शौक बनता है, तो किसी गिनती में तू नहीं है हमारी, तो किसी भी गिनती में नहीं है।
और तेरे लड़के जो इतनी बातें कर रहे हैं कि जी वो हसनैन उस्ताद पहले ईंटों से मारता था और बलोच कौम को बदनाम कर रहा है कि बलोच कौम उसके साथ थी और इस तरह मामला थे, आज सीधा सच्चा शौक कर रहा है तो उसको परेशान कर रहे हैं जिनका भाई खैरियत है, वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं यूँ कर रहे हैं। तो बड़ा वो ढोन लगा पड़ा था मेरे ख्याल से भाई, तो जो है ना गैंगवार भी वही चला रहा था और बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे अमन कमेटी के आगे पीछे वो भी यही चलाता होगा है ना, बहुत सारे मामलात और भी थे। बेनोई की शक्ल देखो और पापा बात कर, पकड़ यार। हाँ बहुत सारे ग्रुप तेरा असनैन चला था बैठ के, गैंगवार भी वो चलाता था, ईंटों से मारता था लोगों को, पत्थरों से मारता था, बकौल तेरे को। तो अब वो सुधर गया, वो साफ शौक करा और छोटी सी उम्र में उसने लोगों के साथ गाड़ियाँ जोड़ दी आगे। अबे भाई जेनियन सीजी का तो ऐसा शौक है कि जीरो मीटर निकाले उस पॉकेट लगाओ किसी भी गाड़ी के साथ चला दो, गाड़ी जोड़ के ही आती है। सारा काम तो राइडिंग पावर का है, गाड़ी राइडिंग क्लियर से। तेरे उस्ताद छोटी सी उम्र है इसकी, ये छोटी सी उम्र वाला कुत्ते के मुँह वाला इतनी भैंस का बच्चा अभी मेरे मुँह से सुनेगा, गालियाँ मैं नहीं देना चाहता इसको। बोलो छोटी सी उम्र है तो शौक करे शौक, वो सीजी अल्ट्रा निकाले, वो गाड़ियाँ जोड़ के दिखाए ना, 12-12 किलोमीटर हमारे साथ चला के दिखाए, फिर माने हम आज ही ऐसे और वैसे और काम सीख लिया और बहुत बहुत तजुर्बा हो गया और यूँ हो गया। ये तो कोई शौक ही नहीं है, जेनियन सीजी बस चुतिया पे की उठाई इस पॉकेट लगाए और चला दी। तो शौक की बात तो एक अलग ही है, उसको तो तुम दफा ही कर दो ना, शौक का तो नाम तुम असनैन के साथ लो ही नहीं, क्योंकि उसका तो कोई मेयार ही नहीं है। जिस बंदे को केम गरारी बिठाना नहीं आती उसको तुम बोल रहे हो कि उसने काम सीख लिया और उसने गाड़ियाँ जोड़ दी और फलां जोड़ दी और डिमका जोड़ दी। 2016-17 की तुम बातें करते हो कि बिलाल ने स्टीके घुमाई, बिलाल ने फलां घुमाया। हसनैन की और कईम की रेस थी, हसनैन वो रेस हार चुका था, इसके भाई से वो सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, एक टांग उसकी टूटी हुई थी। हम लोग विनिंग पॉइंट पे खड़े हुए तीनों बात कर रहे थे, मैं हसनैन और कईम, इसका भाई पीछे से कहीं से आता है और आते ही लाठी घुमाता है, घुमाता भी हवा में, जो तस्वीर तुम डाल रहे हो मैं तो अपनी गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ। उसके बाद इसके भाई का अता पता लापता हो जाता है, उसको कहाँ कहाँ से पढ़ना शुरू होते हैं कि उसकी दूसरी टांग भी गले में आ जाती है। यही हसनैन खड़ा होता है और बोलता है मेरा भाई है माफ़ कर दो, मेरा भाई है माफ़ कर दो। हमारे उस्मानाबाद के मशहूर लड़के हैं जिन्होंने इसको उस टाइम फौरी तौर पे रिटर्न जवाब दिया, एक अयास कवाल के नाम से मशहूर है, एक शेरोज बट्टी, एक मून, इन्होंने इसको कहीं का भी नहीं छोड़ा था। ये हाईवे पे कुत्ते की तरह मर खा रहा था, मैंने उतर के गाड़ी से इसको बचाया कि हुआ क्या है ये तो बताओ। मुझे तो ये बाद में पता चल रहा है कि इसने लाठी भी मेरे पे घुमाई है, मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरा मुँह ही उल्टे हाथ की तरफ था जिस टाइम इसने पीछे से आके कहीं लाठी घुमाई, वो पता नहीं एक्सीलेटर पे लगी, हैंडल पे लगी, मडगार्ड पे लगी या कहाँ लगी। तो उसकी ये तस्वीर निकाल निकाल के डाल रहे हैं। तो इतना कम तो कोई भी नहीं है भाई, ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करूँगा कि कोई दल्ला बड़वा ऐसे मुंह उठा के आएगा और मैं उसको जाने दूँगा। बहरहाल वो बोलते हैं ना वो दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तो वो उसको बोल तू दिल को तसल्लियाँ देता रहे कि तूने ऐसा किया था और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। तो वो लाठियाँ चलानी थी ना अभी दो दिन पहले, जब दो बच्चों ने जिसको तुम नाम दे रहे हो 20-25 लड़कों का, दो बच्चों ने तुम्हें डंडों से पिटाई लगाई तुम्हारे 15-20 लड़कों की, जिसका गवाह खुद गफ्फार उस्ताद है उसके लड़के हैं, कि वो दो ही बच्चे हैं और कोई नहीं है, उन दोनों ने ही तुम लोगों को इतनी तरीके से फुटबॉल बनाया। तो अभी तो पूरी सन की टीम बाकी है, एक एक भी सब ने एक एक भी मारा ना, एक एक भी सब ने मारा तो अंदाज़ा लगाया कि तेरा हाल क्या होगा, इतने हैं कि तू सोच भी नहीं सका। ये कराची के किसी भी इलाके में जाएगा ना तो तू सनकी वालों को ही पाएगा, एक बात याद रखी हो। रही बात गाली गुफ्तार करने की, पंचायतें करने की, तो गाली गुफ्तार तू करता रहे कोई टेंशन नहीं है, एक एक गाली का 40 चमाटों के बराबर हिसाब है याद रखियो। अब तूने गालियाँ उतनी देनी है जितने तू चंबे बर्दाश्त कर सके। रही बात तेरे लड़कों की कि वो गाली गफ्तार कर रहे हैं, वो पोस्ट डाल रहे हैं, हमारे लड़के डाल रहे हैं, तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी तू लड़कों को कर साइड पे, तू खुद आ जा मैदान में, मैं राज़ी हूँ। तू बोलता है भाई हाईवे आया मैं हाईवे आता हूँ, तू बोलता है लियाकताबाद आना है मैं लियाकताबाद आता हूँ, तेरी दुकान पर आता हूँ, तेरे घर पर आता हूँ, जहाँ तू बोल मैं वहाँ आता हूँ। सही है, तू आ जा मैदान में।
इस मसले का निकाल करना क्या है। बस थक गए हैं अभी, गालियाँ वालियाँ ना सुनना आती हैं अभी, ना देना आती हैं, और बेजार हो गए अभी। अभी बस रोज़ का ये जो है ना फेसबुक पे चकला लगाया हुआ तुम लोगों ने कि यूँ और पोस्ट और फलाना और ढिमकाना, हमारे भी डल रहे हैं, वहाँ से भी डल रहे हैं, तो बेकार है। जबानें गंदी हो रही हैं, नज़रें गंदी हो रही हैं, दुनिया देख रही है तमाशा। तो एक ही दफ़ा बस जान पड़ाओ अभी, तुझे मेरे को हार किस चीज़ की है, तुझे जलन इस चीज़ की है कि तू जीत नहीं पाता है, जलन इस चीज़ की है कि ना शादी में तू पूरा काट दे इसको। काशिप को फोन कर, है तुझे जलन है किस चीज़ की, हार है किस चीज़ की, दिखा ना कहाँ जा, क्या हुआ, ये खुद कहाँ है अभी, तेरी बात नहीं हुई इससे फोन पे, बुला लेना इसको, फोन करके बुला ले उधर ही, अभी तो वापस आएगा फिर जाएगा, बुला ले इसको, अभी बुला इसको फोन, तू आ रहा हूँ वापस, आ जा फिर जाएंगे फिर आएंगे, तेरे काम से नहीं गया वो, क्या बोल रहा था मैं तो भूल ही गया। अरे ले आना इंजन का सामान, ले आओ डरा के शकील, वेट ले ले इससे यार, समझा भाई कहाँ थे हम, क्या बातें कर रहे थे, भूला यार। भाई पहले तो वालेकुम अस्सलाम हो गया साहब, भाई अच्छा वो तेरे लड़के ने गालियाँ दी अनीब उस्ताद को, बेचारे अनीब पठान का भी कोई कसूर नहीं था, ठीक है, दानिश काले को, दानिश काले उस्ताद को, ठीक है, उनका भी कोई कसूर नहीं था, उस्ताद मोहतरम इबला उस्ताद को, उनका भी कोई कसूर नहीं था, चल मुझे दे दी कोई बात नहीं, मनाजिर को दे दी कोई बात नहीं, लेकिन उन उस्तादों का क्या कसूर था जो इन लोगों को तुम लोगों ने गालियाँ दी हैं, उनका क्या बीच था, उनका क्या ताल्लुक़ था, एक तो ये जवाब दे दो, ठीक है, दूसरा ये जवाब दे दो कि अब आगे करना क्या है, और जो तुझे शेह दे रहा है, जो तुझे पीछे से पम कर रहा है कि ऐसा करो वैसा करो यूँ करो फलां करो, तो एक बात याद रखियो, कोई भी आके खड़ा नहीं होगा, कोई भी साथ नहीं देगा, और अकेला रगड़ा लग जाएगा, ये याद रख, आई समझ में, और जिस बिना पे तू फैल रहा है कि वो बच्चल, वो बात राजी रहने दे, वो तेरे से मिलके करेंगे, वो तेरे लड़के अच्छा हाँ वो तस्वीरें उठा उठा के डाल रहे हैं भाई लॉकअप की और जेल थाने की, तो यार जेल थाने तो बने ही मर्दों के लिए हैं, मैं कौन सा तेरी माँ बहन को अभी मेरे मुँह से फिर गाली निकलेगी, मकसद मेरे तो मामला दूसरे थे, अगर बंद हुए तो जेल थाने बंद बने ही जो है ना वो मर्दों के लिए, तेरे अपने घर में से तो तेरा भाई डकैत बंद हुआ, चोरी में बंद हुआ, तो हमने तो नहीं बोला या हमने कोई ऐसी बात नहीं करी, अगर हमारे साथ मामला तो हमारे साथ तो 2014 से ये मामला चले आ रहे हैं और पूरे कराची के साथ चले आ रहे हैं, मेरे साथ अनोखे के साथ थोड़ी है कोई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कोई हमारी का केस नहीं है, कोई चोरी डकैती के केस नहीं है हमारे पे, और अल्लाह का शुक्र है केस हमारे सारे भी हैं जुड़े के हैं, तेरे जैसे दल्ले बड़बो नहीं शोर से लगा के और झूठे मामलात करवा के मामलात करवाए, और अल्लाह पाक ने क्लियर करा, और उल्टा तेरे जैसे दल्ले बड़बों को इसी जगह भिजवा दिया कि उनका जो ना अशर ही बुरा हो गया, क्योंकि ये इदारे हैं भाई, आप अगर गलत इस्तेमाल करोगे इदारों का तो इदारों की पकड़ आप पे भी है, फिर याद रखना, अगर आप जातियात निकालोगे तो आपके ऊपर पकड़ है, और तू इतनी गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है कि हेडक्वार्टर की यूँ कर दूँगा, एजेंसियों की यूँ कर दूँगा, तो अल्लाह बेहतर जाने भाई कौन सा जनरल कर्नल तेरे साथ है जो तू खुला आम जो है ना गवर्नमेंट को गालियाँ बक रहा है और गवर्नमेंट के साथ बकवासे कर रहा है, चलो अल्लाह रहम करे, वो खुद हेडक्वार्टर वाले भी तेरे से खुद बात कर लेंगे और दूसरे मामलात भी तेरे से खुद देख लेंगे, रही बात मेरी तो तू आ जा फिर आके कर ले मेरे साथ, मैं तो राज़ी हूँ, आज बोल कल बोल, नंबर तेरे पास है, दुनिया के पास है, पर
कम नस्ल वाला काम नहीं करी हो, तू आ हज़ार लड़का लेकर आ साथ अपने, कोई मसला नहीं है, सही है, लेकिन आई हो फिर, हाँ कहीं ये काम नहीं करी होगे आज से पहले, जो अभी कुछ दिनों पहले किसी और ने करा था कि लाया कहीं और लाइफ कहीं और खड़े होके चला रहे हैं कि जी हम तो यहाँ खड़े हैं, फिर आ जा मैदान में अच्छी तरीके से, दूसरे रास्ते भी दूसरे रास्ते जब तेरे हैं तो फिर वो हमारे भी, अल्लाह खैर करेगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि दूसरे रास्ते और दूसरे रास्ते इस्तेमाल करूँ। कल भी आए तेरी दुकान के पास लेकिन कोई इल्म मिलाना नहीं हो सका, पता नहीं आप बड़े उस्ताद हो शायद कहीं गए हुए हो गए, मार्केट वार्केट बिजी हो गए इसलिए शायद मुलाकात हो नहीं सकी। कल ही मुलाकात हो जाती तो आज आप भी साथ ही होते, हमारी लाइफ चल रही होती, पर मुलाकात हुई नहीं आपसे। चलो अल्लाह मालिक है, ऐसे मौके फिर मिलेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा मौका ना मिले, आप खुद ही हाजिर हो जाओ, खुद बताओ टाइम वक्त, हम आ जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर किसी रेस में फिर किसी ट्राई में घूमते फिरते कहीं मामला होता है ना, तो वो मामला फिर ख़राब होता है। बाकी ये छोटा सा पैगाम है आपके लिए और आपके वालों के लिए, ठीक है। बाकी मेरे जितने भी लड़के हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, उन सबसे गुजारिश है कि आप लोग किसी किस्म की ना कोई लाइफ चलाओ इनके लिए, ना पोस्ट डालो, ना गाली गुफ्तार करो, कुछ भी नहीं करो, बस ये चला रहे हैं ना बस उसको अपने पास जमा करो, सब अपने पास रखो, इनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दो। 100 सवालों का एक ही जवाब, सन की आप ये याद रख, इसको बोल, हाँ वो एक ही जवाब देंगे इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से देंगे।